अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम करता हूँ आज के इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक न्यू वेबसाइट लेके आया हूँ जहाँ पर काम करने के बाद आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर मेरे अकाउंट बैलेंस में यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास 50 कॉइन मौजूद है। अगर इसको हम यहाँ पर कन्वर्ट करें USD में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कॉइन की जो यहाँ पर प्राइस है वो $1 यहाँ पर बनती है। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊँगा कि आपने इस वेबसाइट से पैसे किस तरह से कमाने हैं और अपने अकाउंट में किस तरह से निकलवाने हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वेलकम बैक दोस्तों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, तो आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो वेबसाइट का होम पेज है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर मज़ीद डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो मज़ीद डिटेल में आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि आपने यहाँ पर काम किस तरह से करना है और अर्निंग किस तरह से करनी है। तो आपको यहाँ पर राइट साइड पर साइन अप और लॉग इन का यहाँ पर बटन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कर देना है। तो अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पे जो साइन अप पे क्लिक कर देना है, तो अब जैसे यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उस पर क्लिक करने के बाद अपना अकाउंट बनाओगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे इंस्टेंटली बन जाएगा। तो अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर अकाउंट बनाते वक्त यहाँ पे 3 से 4 दिन यहाँ पे लग सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप मेरे रेफरल लिंक से यहाँ पर अकाउंट बनाओगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे स्टैंड बन जाएगा, वरना आपको यहाँ पे 2 से 3 दिन यहाँ पे वेट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर रेफरल लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने का तरीका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने अपना यूजर नेम लिखना, जो नाम आपका है आपने वो लिखना है। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना, जो ईमेल आप यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो योर कंट्री में आपने वो कंट्री सिलेक्ट करनी है, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में से हैं वो सिलेक्ट करोगे। इसके बाद आपने यहाँ पर योर एज में अपनी उम्र सिलेक्ट करनी है कि आपकी एज कितनी हो चुकी है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी अल्टरनेट जो लैंग्वेज होती है वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर देना है। तो यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर कोई कॉमेंट टाइप करोगे, कॉमेंट टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो अब जैसे ही यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो अगर आपने हमारे लिंक से ज्वाइन किया होगा तो आपका अकाउंट यहाँ पे स्टैंड बन जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक कर देना। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। तो फर्स्ट जो ईमेल आपने वहाँ पर अकाउंट बनाते वक्त इस्तेमाल की थी वो यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड देने के बाद आपने अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन करने के बाद बताता हूँ कि आपके सामने डैशबोर्ड किस तरह से ओपन होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपने ईमेल और पासवर्ड देने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो आपके सामने जो डैशबोर्ड है आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे अर्निंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले आपके यहाँ पे राइट साइड पे एक आइकॉन शो होगा, यहाँ पर आने के बाद आपने पर्सनल डाटा पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे यहाँ पे पर्सनल डाटा पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल का जो डाटा है वो यहाँ पे इनपुट करना है। तो फर्स्ट में आपने अपना जो यूजर नेम है तो उसके बाद अगर आपको कोई मिडिल नेम है वो आपने यहाँ पे दे देना है। लास्ट नेम देने के बाद यहाँ पर आपने तो जो सेटिंग आप यहाँ पर देना चाहते हैं, योर सिटी वगैरह, बर्थडे, जो लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर मुकम्मल सेटिंग कर लेनी है। इसके बाद आपने यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना। तो मैंने यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक कर दिया। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। आज यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 50 कॉइन यहाँ पर मौजूद है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपने यहाँ पर काम किस तरह से करना है और अर्निंग किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ फिनांस पे क्लिक कर देना है। फिनांस पे क्लिक करने के बाद आपने बाय इन्वेस्टमेंट पैकेज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ पैकेज प्लान वगैरह शो होंगे। यहाँ पर आप जो पैकेज प्लान बाय करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके अंदर आपको यहाँ पर मुकम्मल डिटेल बताई गई है। यहाँ पर आपको मुकम्मल डिटेल बताई गई है आपको यहाँ पर कितने फीसद कमीशन होगा और ये आपका जो पैकेज है वो कितने दिन का यहाँ पर एक्टिव रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 200 दिन का ये पैकेज है और आपको यहाँ पर टोटल कमीशन वगैरह बताया गया। अगर आप इस पैकेज को बाय करना चाहते हैं तो इस पैकेज को बाय करने से पहले आपने अपने अकाउंट में यहाँ पे जो इन्वेस्ट करनी होगी, इसके लिए आपने यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। तो अब जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे टॉप अप पे क्लिक कर देना है। तो अब जैसे यहाँ पे टॉप अप बैलेंस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद कोई भी एक्सचेंजर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो आपने उस पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड फंड पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपने ऐड फंड पे क्लिक कर देना है। जितना आप यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं, जो प्लान आप यहाँ पर बाय करना चाहते हैं, तो जो पैकेज आप यहाँ पर बाय करना चाहते हैं उतना आपने यहाँ पे डिपॉजिट यहाँ पे कर देना है इस वेबसाइट में। अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, परफेक्ट मनी या यूएसडी से या पायर से या बैंक कार्ड से आप यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे डिपॉजिट करोगे तो आपका जो बैलेंस है, तो जैसे ही आप यहाँ पे डिपॉजिट करोगे तो आपको यहाँ पे स्टार्ट वॉलेट में आपका जो डिपॉजिट है यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ और एक पैकेज मैं खुद बाय करके आपको दिखा देता हूँ कि आपने यहाँ पर पैकेज किस तरह से बाय करना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करने के बाद फिनांस पे क्लिक करता हूँ। फिनांस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर बाय इन्वेस्टमेंट पैकेज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद अगर आप यहाँ पर 100 वाला या 250 वाला पैकेज बाय करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लैंड प्रॉफिट टीम पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने लाइन प्रॉफिट टीम पे क्लिक किया तो मेरे सामने इस तरह का पेज आ चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, आपने लाइन प्रॉफिट टीम पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपने यहाँ पर बाय इन्वेस्टमेंट पैकेज पे क्लिक कर देना है। तो अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है पैकेज वगैरह शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर मिनिमम जो इन्वेस्ट कर सकते हैं आप यार 50 करोड़ के कर सकते हैं। जो एक कॉइन की प्राइस है वो एक यूएसडी डॉलर है। तो इस पैकेज को बाय करने के लिए आपको यहाँ पर मुकम्मल डिटेल वगैरह शो होगी कि ये पैकेज की जो ड्यूरेशन है वो कितने दिन का है, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डे कितने मिलेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर रिटर्न जो होगा वो कितना होगा। इसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो अब जैसे यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने गौर से देख लेना है कि आपने यहाँ पर पैकेज किस तरह से बाय करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर उतनी अमाउंट लिखनी है जो पैकेज आप यहाँ पर बाय करना चाहते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर वो वॉलेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है जिस वॉलेट में आपके पास ये अमाउंट पड़ी है। तो मेरे यहाँ पे ट्रांजैक्शन वॉलेट में यहाँ पे पड़ी है, तो मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन वॉलेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं बाय पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर बाय फार यहाँ पर जो 50 पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो प्लान है यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बाय फार पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वाकई आप इस पैकेज को बाय करने के लिए श्योर हैं, तो मैं यहाँ पर बाय पे क्लिक कर देता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पर जो बाय पैकेज पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम उस वक्त अपना पैकेज जो है यहाँ पर बाय नहीं कर सकते जब तक हम यहाँ पर पर्सनल डाटा अपना फिल ना कर लें। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपने अपना जो यूज़र नेम है वो दे देना है। इसके बाद आपने अपना लास्ट नेम दे देना है। लास्ट नेम देने के बाद आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जो आपका रीजन है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अपनी सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपने यहाँ पर मेल या फीमेल सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने अपना नंबर दे देना है, अगर आप कोई भी नंबर यहाँ पर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद टेलीग्राम, व्हाट्सएप वगैरह आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। तो आइए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं जल्दी से अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने यहाँ पर जो सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर जो है फिनांसिस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपने बाय इन्वेस्टमेंट पैकेज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आप जो पैकेज बाय करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो पैकेज आप बाय करना चाहते हैं उतनी अमाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने अपना बैलेंस सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन वॉलेट सेट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर जो बाय फार पे क्लिक कर देता हूँ। तो बाय फार पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर बाय पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर बाय पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे बाय पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन यहाँ पे मुझे शो हो चुका है। इसके बाद जो हमारा इन्वेस्टमेंट वाला प्लान है वो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे बाय हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर जो अपने डैशबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे होम एंड सिक्योरिटी शो हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुकी है और हमारे मेन बैलेंस से जो हमारा बैलेंस है वो यहाँ पे कट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जो डेली का प्रॉफिट मिलता रहेगा, हमने यहाँ पर जो पैसे वो किस तरह से निकलवाने हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर जितनी आपकी अमाउंट होगी यहाँ पे बोरस वैलेट में यहाँ पे अकाउंट हो जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपने विड्रावल फंड पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही यहाँ पे विड्रावल फंड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपने वो एक्सचेंजर वगैरह को सिलेक्ट कर लेने, अगर आप किसी भी एक्सचेंजर से अपने, तो उस पर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे वो करेंसी सिलेक्ट कर लेनी है जिससे आप यहाँ पर अपना विड्रावल लेना चाहते हैं। अगर आप यूएसडी पायर में, परफेक्ट मनी में लेना चाहते हैं तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उतनी अमाउंट लिखनी है जितना आप यहाँ पे विड्रावल लेना चाहते हैं। उतनी अमाउंट लिखने के बाद आपने जो आपका वॉलेट एड्रेस है वो यहाँ पर दे देना है। जितनी भी अमाउंट आपकी इस वेबसाइट में डेली की होगी आपने यहाँ पर जो वो यहाँ पर टाइप करने के बाद यहाँ पर आपने अपना वॉलेट एड्रेस यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करने के बाद ऑर्डर आप विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ पर मिनिमम जो विड्रावल है वो कितने का ले सकते हैं। तो
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मिनिमम विड्रावल है वो 10 कॉइन का यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मुकम्मल डिटेल वगैरह शो हो चुकी है कि आप यहाँ पर मिनिमम विड्रावल कितने का लेंगे, उस पर आपको फीस कितनी लगेगी, मुकम्मल डिटेल आपको यहाँ पर बताई गई है। और आपको यहाँ पर यह भी पता लग जाएगा और आपको यहाँ पर यह भी शो हो जाएगा कि आपका जो विड्रावल है वो कितनी देर में आपको यहाँ पर रिसीव होगा। जो मिनिमम विड्रावल है आप यहाँ पे 10 कॉइन का ले सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट से इस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पे अर्निंग करना चाहते हैं तो वो अपने रिस्क पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।